जब 1947 में हो गया बंटवारा, फिर इंडिया वाले ने दरिया बॉर्डर लगा दिया, पाकिस्तान वाले ने पुल काट, तो फिर लग गया ये बॉर्डर दरिया, फिर हमारा जाना जाना जो हमारे पिछले थे टूट गए, वो आना जाना जिसको मन किया वो इधर रह गया, जिसको मन किया वो उधर चले गए। और इधर से पत्थर पत्थर हल्के हल्के गिर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि ये ले ना जाए मुझे साथ में। क्या करूं, ऐसी जगह फंसा हुआ मैं भी, खुद भी पीछे नहीं जा सकता। चलो देखते हैं, कोई एक्सपर्ट बंदा है वो घुसकर बैठा। ओ और क्या, वैसे तो हमारे कश्मीर के बहुत सारे एरिया से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, मगर आज हम एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, केरन वैली। ये हमारे हिंदुस्तान का वो जन्नत है जहां शायद हमारे जैसे टूरिस्ट अब तक या तो पहुंचने से हिचकिचाते हैं या फिर उनको यहां का पता ही नहीं। यहां से हमारे और पीओके के बीच सिर्फ कुछ 40-50 मीटर का फासला है, और वो भी बिना किसी फेंसिंग या प्रॉपर बॉर्डर के। अगर कोई बॉर्डर है तो वो सिर्फ किशनगंगा नदी, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी भी कहते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए हमें कुछ 6-7 आर्मी चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है और कुछ परमिट लेने पड़ते हैं, मगर यहाँ पहुंचने के बाद के नज़ारे, सेल्फ कैंपिंग या कैंपिंग करने का एक्सपीरियंस, वहाँ के प्यारे लोगों से बातचीत और उनका वेलकमिंग नेचर, और सामने से हाय हेलो करते पाकिस्तानी टूरिस्ट का एक्सपीरियंस, अपने आप में इसे एक यूनिक डेस्टिनेशन बनाता है। तो आइए चलते हैं, घूमते हैं केरन वैली। गुड मॉर्निंग भाई लोग, तो मैं हूं अभी श्रीनगर में, और श्रीनगर से इस वीडियो की शुरुआत हो रही है। मैं पिछले 6 दिनों से इस रूम में था, दक्ष 3 दिनों तक मेरे साथ था, उसके बाद वो चला गया था। तो अभी इस रूम का फाइनल पैकअप करके निकलने लगा हूँ, सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और कल मैंने स्कूटी ले ली थी, स्कूटी लेकर अब मैं जाने लगा हूँ यहाँ से केरन वैली। केरन वैली भाई बॉर्डर पे है, बिल्कुल पीओके के पास है, बिल्कुल ही पास में। यहाँ से 4.5-5 घंटे लग जाएंगे मुझे, 150 किलोमीटर है स्कूटी से, आप पहाड़ों का समझ ही रहे हो। फिलहाल इतना सारा सामान मुझे अपनी स्कूटी पे सेट करना है और उसके बाद मुझे चलना है। और मैं अकेले हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बंजी कॉर्ड्स वगैरह है, सब कुछ लेकर आया हूँ मैं स्कूटी वालों से। फिलहाल के लिए 4 दिनों के लिए मैंने स्कूटी बुक करी है, एंड टॉर्क है 700 रुपीज़ फॉर अ डे, ऐसे करके मैंने की है। और देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। स्कूटी तो बहुत बढ़िया है यार, बिल्कुल नई है, 3000 चली हुई है, तो होपफुली कोई दिक्कत ना आए, कुछ ऑफ रोडिंग वगैरह भी हल्का फुल्का हो तो एंटॉर्क ले लेगी वो, उठा लेगी लोड। तो ऐसा है, अभी फटाफट यहाँ से पैक करते निकलते। पिछले 1 घंटे से मैं लगा हुआ हूँ सब कुछ पैक करने में, क्योंकि 6 दिनों से ना पूरा सामान फैल गया था इधर। फाइनली 1.5 घंटा 45 मिनट हो गया था मुझे ये करते करते, फाइनली कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कितना देर टिकता है, ये डिपेंड्स कि कैसे हुआ है ये। ऑब्वियसली मैंने अपने तरफ से बेस्ट तरीके से कर दिया है। यहाँ पे मैं GoPro लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा अटैचमेंट छूट गया है तो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, पर्सपेक्टिव नहीं दिखा पाऊँगा वीडियो एंगल। तो कोई बात नहीं, ये फ़िलहाल तो डन है, अभी चलते हैं। 4-4.5 घंटे की जर्नी है भाई, ऐसे करनी है। पैर रखने की जगह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स गो नाउ। चलो फाइनली जर्नी शुरू करते हैं, आगे मिलते हैं रास्ते में। आए ना पियाना संदेशा लाए सावन, तरसाए ना एक आँख मुझको भाए सावन। आए ना पियाना संदेशा लाए सावन। ड्राइव करते हुए 20-25 मिनट मुझे हो गए हैं और फाइनली हम उस रोड पे पहुंच चुके हैं जिस रोड से हमारी इस ट्रिप का नाम ओरिजिनेट होता है, NH1। यहाँ से NH1 पे अब हमें चलना है थोड़ी दूर,
और ये देखो BRO का यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये बस भाई साहब चले जाएंगे तो फिलहाल गुरेज भी इधर ही है, गुरेज भी मुझे जाना है। लेह देख सकते हो आप, बांदीपुरा, पठान, सोपोर, बारामुल्ला, गुलमर्ग, सारा कुछ इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन जो है वो इधर से ही है। और भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है। टेस्टिंग वगैरह कर लिया है, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त चल रहा है बिल्कुल। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मैं चलते हुए का शॉट नहीं ले पा रहा हूँ भाई। अमेजिंग नज़ारे आने शुरू हो गए हैं यार, काश मैं आप लोगों को चलते हुए दिखा पाता। बहुत प्यारे नज़ारे आ रहे हैं भाई, मस्त। चलो कंटिन्यू करते हैं भाई। 50 किलोमीटर्स डन, थोड़े बालों की वाट लग जाती है हेलमेट से। और भाई क्या सही बांधा है मैंने एकदम से, मस्त है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। मैं इनफैक्ट 50 किलोमीटर बाद एक बार ना रुक कर चेक करना चाहता था कि कहीं पर कोई एक दिमाग में शक सा हो गया था कि कहीं हिल तो नहीं रहा, बट अपनी तरीके से इसने एडजस्टमेंट कर लिया है मस्त हो गया बिल्कुल। और भाई क्या सही नज़ारे आ रहे थे, बीच में मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए, बिल्कुल कंट्री साइड वाली फील आ रही है। मेरे ख्याल से ये एप्पल की ही फार्मिंग है, एप्पल के ही पेड़ हैं, तो ठीक है, मज़ा आ रहा है। 50 किलोमीटर हो गए, अभी बहुत लंबा जाना है केरन के लिए, बहुत लंबा। तो चलो, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना ऐसा लग रहा है हमेशा कि मैं गुरेज जा रहा हूँ, केरन नहीं जा रहा हूँ, गुरेज जा रहा हूँ। बार बार दिमाग में गुरेज आ रहा है, बट नहीं, मैं केरन जा रहा हूँ, इसके बाद गुरेज जाऊँगा। पियाना संदेश लाए सावन, तरसाए ना एक आँख मुझको भाए सावन। भाई सुंदर तो ये जगह इतनी है ना कि मज़ा ही आ रहा है बिल्कुल। ऐसा है कि करालपुरा में बनता है जहाँ परमिट आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है पुलिस स्टेशन में जाके, करालपुरा वो जगह है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी तो मैं आ गया था यहाँ खाने पीने, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कबाब और रिश्ता वगैरह है तो अभी मेरा मन नहीं है वो सब खाने का। बाकी यार व्यूज़ देखो कितने अच्छे व्यूज़ है भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल, बहुत ही सुंदर व्यूज़ है। चलते हैं करालपुरा, 20 किलोमीटर यहाँ से। और भाई पहाड़ की चोटियों पर ये बर्फ़, बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा, वास्ट फील्ड्स, ओहो मज़ा आ गया भाई बिल्कुल, बहुत सही। ये देखो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हिंदुस्तान में हो यार। तो ये फॉर्म दिया था इन्होंने, फॉर्म यहाँ भरना पड़ा, और फोटो स्टेट की दुकान है उसी पे सारा प्रोसेस होता है, फॉर्म वॉर्म मिलता है, फोटो स्टेट हो जाएगा, आधार कार्ड लगेगा आपका, वो हो जाएगा। और पीछे पुलिस स्टेशन है, अभी मैं दिखा देता हूँ, वहाँ मैं गया तो उन्होंने बोला पहले यहाँ जाओ, यहाँ से अपना फोटो स्टेट कॉपी वगैरह करा कर और फिर हमारे पास आओ। तो अभी वहाँ चलते हैं वापस से। ये फॉर्म था, ये वाला नंबर जो दूसरा दिख रहा है ये मेरा जम्मू कश्मीर का नंबर है भाई। तो ये बन गया परमिट, ये आ गया साइन, और मैंने 22nd को लिए किया है और 24 लिखा था, मुझे और थोड़ा एक दो दिन बढ़ा के लिख देना चाहिए था, बट ठीक है मुझे कल ही निकल जाना है तो उस हिसाब से ठीक है। ये है स्टेशन जो आपको, पुलिस स्टेशन है करालपुरा, इसमें आप आओगे, 2 मिनट का काम है बस। पहले आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेफ्ट जाओ और वो जो गाड़ी लगी है उसके पास एक फ़ोटो स्टेट वाली दुकान है, वहाँ से फॉर्म मिल जाएगा, भरो और इनके पास ले आओ, 2 मिनट में आपका काम हो गया, मस्त हो गया बिल्कुल। ठीक है, मिल गया बड़े आराम से, अब इसको रख लेता हूँ और आगे के जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। 12 बज गया है ऑलरेडी, मुझे लगता है 1:30 बजे तक चांसेस है कि मैं पहुँच जाऊँ। धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है कड़ी, तो जितनी जल्दी पहुँच जाऊँ बेहतर है। वैसे मुझे कैंप ही लगाना है तो इस धूप में कैंप तो लगाऊँगा नहीं, मैं 4-5 बजे तक लगाऊँगा। वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या है क्या नहीं है। मैंने पहले बात कर रखा था होम स्टे वालों से, तो वहाँ 1000 रुपीज़ लेते हैं, आपको होम स्टे भी मिल जाएगा और 600 है कैंप का, 3% के टेंट का ना 300 है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रहता है आगे का सिस्टम। भाई मुझसे 2 गलतियाँ हो गई, उस गलती के कारण मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा और कुछ आती जाती में 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गया। हाँ भाई हालत ख़राब हो गई, 2 बजने को आ गए हैं, अभी यहाँ से और 1.5 घंटा मुझे जाना है। एक चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है मैंने, सबसे पहली गलती, जहाँ से परमिशन ली थी वहाँ से उसी पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने एक पेट्रोल पंप है, थोड़ा अंदर जाकर है, और हो सकता है आपको रोड क्रॉस करते हुए ना दिखे, वहाँ से आप अपना पूरा फ्यूल अप करा लेना क्योंकि उसके बाद पेट्रोल पंप नहीं है इस रूट पर। अगर मिलेगा भी तो ब्लैक में मिलेगा और उसके भी चांसेस कम होते हैं कि मिल जाए। तो मैं आ गया था कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे,
फिर मेरे ध्यान में एकदम से आया कि यार अब होगा या नहीं होगा, तो कहो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया। तो ये बात, तो वो 12-13 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा पड़ गया। फिर ऊपर पहले चेक पोस्ट पे यहाँ आया, यहाँ 6 चेक पोस्ट है जो आपको, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो हर जगह अपनी परमिट दिखानी पड़ेगी और 6 पोस्ट से चेक पोस्ट से क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो जो भी चेक पोस्ट है वहाँ से आप जब क्रॉस करोगे तो एक जो आपका परमिशन है, परमिट है, उसकी एक फोटोकॉपी देनी पड़ती है। तो मैंने जबकि पुलिस स्टेशन में पूछा था कि सर और कुछ नहीं चाहिए ना इसके अलावा, उसने एक मतलब वो जो परमिट दे दी थी, तो नहीं 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 चाहिए, मुझे क्या पता था कि इसके 6 कॉपीज लेने हैं। तो फिर मैं 5 किलोमीटर नीचे गया, मिल्याल करके एक गाँव है, वहाँ से मैंने फ़ोटोकॉपी लिया। तो कम से कम 8-10 फोटोकॉपी आप करा के रख लेना, ये दो चीज़, वरना बहुत भारी पड़ेगा ज़रूर से। ठीक है चलो अब चलता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ यार, मतलब 8:30 के बीच में निकला था और 2 बज रहे हैं ऑलरेडी, 10 मिनट स्लो है मेरी घड़ी। ये जो हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई है ना, इस कारण से यहाँ और ऑल्टीट्यूड जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 फीट का है, और बर्फ जो है इस कारण से काफी ज्यादा ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे। अब आप जब स्कूटी चला रहे हो तो ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है बिल्कुल, जबकि धूप अच्छी खासी है। तो ये नज़ारे हैं, चलो काफी लेट हो गया यार और थक गया हूँ काफी। ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर चला लिया स्कूटी, 175-180 तो चलाना ही है कम से कम। चलो लेट्स गो। सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उबुद। अच्छा, क्या आप यहीं रहते हैं? है? अच्छा, यहाँ से केरन कितनी दूर है? नहीं पता आपको? 8 किलोमीटर, पीछे तो 11 लिखा है। आप स्कूल जाते हैं? स्कूल पास में ही है आपका? बढ़िया। इस जगह क्या नाम है भाई? इसको बोलते हैं पात्रो। अच्छा भाई, ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है और भाई की फटली है भाई, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, इसमें लोड ज़्यादा था, इसने ज़बरदस्ती घुसा दिया, अब जगह ही आगे नहीं बढ़ रही है गाड़ी। और इधर से पत्थर हल्के हल्के गिर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि ये ले ना जाए मुझे साथ में। क्या करूँ, ऐसी जगह फंसा हुआ मैं, भी खुद भी पीछे नहीं जा सकता। चलो देखते हैं, कोई एक्सपर्ट बंदा है वो घुस कर बैठा। ओ और क्या, ईजी ड्राइवर की बात है, वो ठीक है बाबू। चलो भाई अब, ओह देख लो भाई मैं स्कूटी कैसे लाऊंगा, भगवान भरोसे है उधर से आने समय, हालांकि आ जाएगी धीरे धीरे, बट चैलेंजिंग तो है यार, इस पर एक बार सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई, इतना टफ है। 8 घंटे हो चुके हैं मुझे आते हुए, लेकिन अब तक नहीं पहुँच पाया हूँ। चलो अब निकल रहा हूँ, पूरे रास्ते इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ भाई पिछले 3-4 किलोमीटर से ना वाट लग गई शरीर की पूरी ना एकदम जान निकल गई हाथों पे आ रहा है एक तो पूरा, और 4 किलोमीटर से एक पैच जो मैंने अभी आपको गाड़ी वाली दिखाई वहाँ पे तो भाई गीली मिट्टी है, बड़ा डर लग रहा है मुझे वापस जाने में, तो मेरी फट रही है। बाकी यहाँ कह रहे हैं कि केरन तक पूरा ऐसा ही है, 1-2 किलोमीटर और है भाई, लास्ट स्ट्रेच में तो रोड ही नहीं है बिल्कुल, बाप रे कमर टूट गई भाई, इतना राइड करने की आदत नहीं है मुझे, शरीर का ना बैंड बजा हुआ है। अब देखना, मैं सेकंड थॉट डाल रहा हूँ कि अब मुझे खुद से कैंपिंग करनी है या मैं आज स्टे लेकर रुक जाऊँ या क्या करूँ, एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, ओए ओए ओए, फाइनली पूरा शरीर टूट जाने के बाद वेलकम टू केरन द फाइनल फ्रंटियर। इतनी देर से सबसे पूछ रहा हूँ कितनी दूर, बस पहुँच गया करके 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आ गया भाई इस रोड पे। अरे भाई मैं कहीं गिरा नहीं, वही बहुत है। ये देखो स्कूटी की क्या हाल हो रही है, बिल्कुल गंदा हो चुका है एकदम, ऑफ रोडिंग करते हुए एकदम। यहीं पे स्कूटी अभी छोड़ना पड़ेगा और पीछे पार्किंग वार्किंग में लगा कर फिर फाइनली आप इधर से जाओ। जी शहजाद अहमद। शहजाद भाई, और आप भाई? जईद का। इनसे आप थोड़ी देर पहले भी मिले। मैं इनके साथ अभी जा रहा हूँ इनके होम स्टे पर रुकने, टेंट लगाने का पहले प्लान था, बट एक बार देख लेता हूँ क्या है इनके पास, फिर देखते हैं। फिलहाल हम जहाँ चल रहे हैं और ये ग्रीन जो पैच दिख रहा है ये आपको पाकिस्तान का एरिया है, उधर पूरा पाकिस्तान का एरिया है। आराम से मैं टूर दूंगा आप लोगों को,
एक बार भाई लोगों के साथ भी घूमूंगा, सब कुछ देखूंगा, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल धूप बहुत बढ़िया वाली है और जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, है ना भाई? तो बढ़िया, सबको बोलो आने को। भैया के होमस्टे में आ गए हो और काफ़ी अच्छा रूम है इनका, ये 1000 पर डे का टैरिफ है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। काफ़ी अच्छे हॉस्पिटैलिटी है इन लोगों का। और ये देखो, मैं पहली बार जब से आया हूँ कश्मीर में तब नून चाय पी रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ की फेमस है नून चाय, नमकीन चाय कहते हैं इसको। और ये क्या है भैया, इसको क्या कहते हैं? कश्मीरी कुल्चा है सर। कश्मीरी कुल्चा, इसको कश्मीरी कुल्चा कहते हैं। अब इसके बाद मेरी कुछ फुटेजेस करप्ट हो गई, लेकिन इसके बाद मैंने इनके घर पर, इनके होमस्टे पर बैठकर ये डिसाइड किया कि यार फाइनली मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो करना मेरे लिए सही होगा, कैंपिंग करना सही होगा, क्योंकि वो ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होगा। बाकी अगर आप लोग चाहो तो इनके स्टे में ज़रूर से आप स्टे कर सकते हो, काफ़ी काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी और काफ़ी प्यारे लोग थे ये। चलो आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपना टेंट फाइनली कहाँ पिच किया और फिर आगे क्या हुआ। ये देखो भाई, बिल्कुल सामने पाकिस्तान दिख रहा है आप लोगों को। अभी हम और आगे जाएंगे और भाई का कहना है कि जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम पाकिस्तान के और करीब होते जाएंगे। तो ये अपने अपने लैंड पे लेके जा रहे हैं, मुझे अपनी ज़मीन पे लेके जा रहे हैं जहाँ से और अच्छे से पाकिस्तान दिखता है। कोबरा पोस्ट के पास है, वहाँ पर हम अपनी कैंपिंग करेंगे आज भाई। ये है लोकेशन जहाँ आज की टेंट कैंपिंग होगी हमारी, और भाई लोग हैं साथ में। सर आपका आपका शुभ नाम? असद। आसफ वानी। आसफ, आसफ भाई, आसफ भाई हमारे साथ रहेंगे आज। आप इधर ही हो? आप इधर ही रहते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी देख लो भाई, ये भी दिखा दिया, ये लो, है ना। अच्छा, बाकी जूम हो गया सर, वो अभी पाकिस्तान दिख जाएगा इसमें, वो क्या चीज़ है। ये देखो, ये रहा भाई पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की गाड़ियाँ, ये देखो सारी की सारी पाकिस्तान की गाड़ियाँ हैं भाई, ठीक है। ये सब मैं आपको सुबह और अच्छे से दिखाऊंगा, फिलहाल बहुत ही पास है, आपको कैमरे में शायद दूर लग रहा होगा बट बहुत ही पास है। और पाकिस्तान की तरफ इन्होंने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रखी है, धीरे धीरे भाई लोगों का भी इधर सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब कुछ बन रहा है। तो इन सब चीज़ों पर मैं एक अलग अगली वीडियो बनाऊँगा, फ़िलहाल कैंपिंग की शुरुआत करते हैं और यहाँ टेंट पिच करते हैं। भाई सपना देखकर आया था मैं कि यहाँ टेंट लगाऊंगा और सामने पाकिस्तान, एक कंटेंट बढ़िया होगा और मुझे भी मज़ा आएगा। लोग इतने अच्छे हैं, इतने स्वीट है कि ये तुरंत तुरंत में करने लगे। अभी मैं कैमरा वैमरा लगा रहा था ताकि आप टेंट के साथ पाकिस्तान का व्यू ले सको, बाकी ये फटाफट फटाफट ये कर देंगे। थोड़ा और इधर कर ले भैया इससे, है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई फटाफट बनाने में मैं भी मदद करता हूँ। ये भाई लग गई टेंट हमारी पूरी, और भाई लोगों ने सबने मदद किया, बहुत शुक्रिया। तो आप यहाँ अगर आते हो कोबरा व्यू पॉइंट पे तो आपके साथ हमेशा मदद चलता रहेगा। क्या भैया आपका क्या नाम बताया था आपने? नाम तहर असर। तहर असर भाई, तो बिल्कुल एकदम तत्पर रहेंगे भैया आपके पास मदद करने के लिए। तो अगर आप आ रहे हो तो बहुत लोग ना आगे ही रुक जाते हैं, और क्योंकि वहाँ से काफ़ी चल कर आना पड़ता है, ज़्यादा नहीं है 10 मिनट की दूरी है, बट यहाँ चल कर आओ क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ना ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही पास में है, और अभी बहुत लोगों को यहाँ का पता भी नहीं है, तो आओ यहाँ मज़े करोगे बहुत ज़्यादा। एज़ यूजुअल भाई जैसे पिछले बार किया था, सारा सामान सेट कर लिया एक तरफ, इस बार दक्ष नहीं है तो बीच में काफ़ी अच्छी जगह मिल गई, और इस तरफ मेरे सोने का इंतज़ाम, तो काफ़ी सिंगल पर्सन के तो काफ़ी बड़ा टेंट है ये, काम बढ़िया हो जाता है। और सामने बिल्कुल आपके पाकिस्तान, ये देखो भाई अभी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही थी पाकिस्तान की, हरी हरी एकदम बिल्कुल, ये देखो। तो ये पाकिस्तान के लोग, अभी सुबह सुबह जाऊँगा क्योंकि अभी शाम होने लग गया है, फटाफट से एक बार फ्रेश हो लेता हूँ। फ्रेश होने के लिए भी नदी के पास जा रहा हूँ ताकि फ्रेश पानी से, बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी से थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। बाकी पानी पीने वीने का यहाँ पे अरेंजमेंट है, और अगर आप वॉशरूम जाना चाहते हो तो वो भी है, नहाने की फैसिलिटी नहीं है, वो आप अपना देख सकते हो, नहाना है अगर तो लॉन्डो के लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। भाई शाम के 6:30, क्या शानदार नज़ारा, सामने पाकिस्तान की चलती हुई गाड़ियाँ पाकिस्तान के सड़कों पे, ये देखो
ये पाकिस्तान है भाई। और ऐसे कुछ अटपटा सा दिखने वाला आएगा ना, मतलब अटपटी सी गाड़ियाँ आएंगी, तो और दिखाता हूँ। मैं जानता हूँ पानी बहुत ठंडा होगा, बट क्या कर सकते हैं, चलते हैं थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, वो हाथ धो ले। भाई मस्त नज़ारे मिल रहे हैं सामने, ग्रीन वाली गाड़ी देखो ना, बिल्कुल पाकिस्तानी फील, मस्त है भाई, मज़ा आ गया। और रिवर का फ्लो बहुत तेज है, अगर कोई गलती से भी पार करना चाहेगा ना, नहीं पार कर सकता है, बहुत ज़्यादा है। तरफ के डेवलपमेंट को देखो यार, हमारे लिए तो अच्छा है अभी भी नेचर इंटैक्ट है, लेकिन उनके तरफ के डेवलपमेंट को देखो भाई साहब, इतनी सारी होटल्स बन गई है ना, इतनी सारी, इसका तो नाम भी पढ़ सकते हो, केसर लॉज, कैसर लॉज एंड गैलियात रेस्टोरेंट, ये देख रहे हो, मतलब इतना सही है ना इनका, बहुत सही टूरिज्म डेवलप। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा कमर वमर दर्द हो रहा है, क्योंकि 8 घंटे की राइड हो गई, बहुत लंबा, मोर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ के बारे में पहुँचने से रिलेटेड, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वर्थ है नहीं है, क्या है कैसे, और ये सारी चीज़ें मैं आपको आराम से बताऊँगा। फ़िलहाल शाम के 7 बज रहे हैं, सारा कुछ मैंने सेट वेट तो कर लिया था, बेसिक हिम्मत जितनी हो रही थी, ये वाली लाइट भी लगा दी है ताकि पावर बैंक में लगा के वो कर दूँ, तो फ़िलहाल के लिए हो गया। रूम मुझे 1000 में दे रहे थे, और कम में भी कर दो तो कह रहे थे फ्री में ले लो, कोई बात नहीं ये वो, मैंने कहा नहीं नहीं यार, टेंट सही है, सामने बिल्कुल व्यू रहेगा, कल काफ़ी और मज़ा आएगा। तो अभी बाहर जाता हूँ, कुछ खाना पीना खाता हूँ, उसके बाद आज जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, एयरटेल बिल्कुल ही ख़त्म है, जियो 5G फ़ोन है अगर आपका तो कभी आएगा कभी जाएगा, एयरटेल बिल्कुल ख़त्म है। तो बाकी पूरे शहर में, पूरे कश्मीर में एयरटेल ने मस्त काम किया भाई। खाना पीना हो गया है बढ़िया से, और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर व्लॉगिंग नहीं किया, बट रॉ रखा है इसको काफ़ी ज़्यादा, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा आज का। कल सुबह उठूँगा 6 बजे के अराउंड, और 6 बजे उठकर अच्छे से पूरा घूमूंगा आसपास, उसके बाद 10 से 11 बजे आकर पैकअप कर लूँगा सारा। तो ये कल का प्लान है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ घूमने का, बस वही है एक व्यू जो है, और एक कोबरा पोस्ट है, और एक जगह इंडिया का बहुत बड़ा फ्लैग है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊंगा। लास्ट एंड फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगा। पाकिस्तान के लोगों से अगर सामने आते हैं तो हाय हेलो कराऊंगा, और क्योंकि वहाँ पे अभी ना कुछ ऐसे स्ट्राइक वगैरह चल रही, तो लोग उधर से नहीं दिख रहे हैं। बाकी ऐसा ही था माहौल, खाना पीना हमारा मस्त हो गया, 9:20 हो रहे हैं, और बहुत मतलब बिल्कुल घूप अंधेरा हो गया है, मस्त एकदम माहौल हो गया है सोने का, तो सोने जा रहा हूँ। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली एक नई जर्नी के साथ, ठीक है? तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो यार कि यहाँ आपको अच्छा लग रहा है आना, या कैसा लग रहा है ये वाली कॉन्टेंट जो आई, कैंपिंग और ऐसा थोड़ा अलग सा, ये कैसा लग रहा है, तो ज़रूर से बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो कर दो भाई इंस्टाग्राम पे, वहाँ डालिए फोटोज, बाय बाय। और हाँ, ये हॉट बैग मैंने श्रीनगर से ले लिया था मस्त 300 रुपये में, इसमें गर्म पानी करवा के रख लिया। आज मैंने ना अपना वो चूल्हा वूल्हा निकाला ही नहीं भाई, हिम्मत ही नहीं थी, फिर उसको बनाओ फिर धो, ये सब चक्कर मुझे करना ही नहीं था, तो ये कर लिया इसमें गर्म गर्म पानी, बिल्कुल बढ़िया, पैर के पास रख लूँगा, गर्म हो जाएगा। और वैसे बहुत ज़्यादा ठंड है नहीं, तो काम चल जाना चाहिए। और इस जैकेट को ना मैं फोल्ड करके, इसका ये है लंबा सा बन जाता, तो इसको मैं पिलो बना लेता हूँ, तो मस्त काम हो जाता है मेरा। ये रहा मेरा स्लीपिंग बैग, ये रहा मेरा स्लीपिंग मैट, और फेरी लाइट्स तो लगा ही रखे हैं, तो बढ़िया है। ठीक है जी, चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। आए ना पियाना संदेशा लाए सावन, तरसाए ना एक आँख मुझको भाए सावन, आए ना।